अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजन के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए। और यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताओं का भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी, इसमें यह पाया गया कि अमेजन बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है वो कई देशों से हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेजन बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोवेजाई अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेजन के जंगलों को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है, इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर ही नहीं होता बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेजन के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों में होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितने बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेजन के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव है उसके 1/3 को एक साथ आप अमेजन के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 930 अरब पेड़ है जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। अमेजन के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफी खतरनाक होती है। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3,000 से ज्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है जिनमें ज्यादातर जहरीली होती है। टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फाड़ देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल में अमेजन के जंगल में आग लगने की घटनाओं में 83% की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई बता रहे हैं तो कुछ षड्यंत्र, तो कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने से 72,843 मामले सामने आए हैं। इसमें अमेजन बेसिन में ही आग लगने की 9,507 घटनाएं सामने आ चुकी है।